नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। आज हम दुमका जिला से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यह सरियाहट प्रखंड है और यहां पर आदिवासी युवा स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है और आज है फाइनल। और हमारे साथ में यहाँ पर जो इस टूर्नामेंट के फाउंडर सदस्यों में से एक सदस्य हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो आदिवासी युवा स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा जो तमाम जो मैच का जो आयोजन करवाया जाता है, कब शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई और यहाँ पर जो खेल होता है वो किस टाइप का खेल होता है। तो ये बताएं देवलाल बेसरा जी, कब आप लोगों ने शुरुआत की यहाँ पर फुटबॉल मैच का टूर्नामेंट? देखिए, यहाँ हम लोग फुटबॉल का आयोजन 1984-85 में ही शुरुआत किए और उस समय ये फील्ड इस तरह का नहीं था और यहाँ से हम लोग फील्ड नहीं रहने के कारण कहीं दूसरे जगह खेला करते थे, खेलवाया जाता था। लेकिन उस समय आपका ये खस्सी का टूर्नामेंट होता था और खस्सी के टूर्नामेंट में इसी तरह से ही मतलब बहुत जगह से लोग आते थे, रामगढ़ से आते थे, आपका बौसी तरफ से आते थे, बिहार का इधर कटोरिया तरफ से भी आते थे, देवघर से भी आते थे, जरमुंडी जामा यानी दुमका अनेक प्रकार से मतलब इसी तरह का खिलाड़ी या पड़ोया हाट गोड्डा से भी लोग आते थे। और इसी तरह करते करते हम लोग भी मतलब फुटबॉल का आनंद लेते थे। जब इस टूर्नामेंट को बनाने में मतलब जितना हम लोग नवयुवक थे सब ने मिलकर के इस फील्ड को बनाया और ये मतलब अभी फील्ड का आकार आप देख रहे हैं, उस समय ये बहुत गाची इस बीच में था और फील्ड के आकार भी नहीं था। इसको हम लोगों ने सब के सहयोग से, खिलाड़ियों के सहयोग से फील्ड का भी हम लोग निर्माण किए। और साथ में आप लोग खेल करवाते थे तो कहाँ कहाँ से टीम आते थे? बिहार से भी आते थे? हाँ, बिहार से भी आते थे, गोड्डा से, आपका दुमका से भी, इधर रामगढ़ से भी, जामा जरमुंडी से भी और देवघर से भी, कटोरिया के भी। तो आप उस समय तो युवा होंगे, आप भी तो फुटबॉल खेलते होंगे? एकदम, हम भी खेलते थे उस समय। मैं ही कप्तान की करता था कप्तानी। हाँ। और हमने अपने कप्तानी के समय में हम लोग भी गोड्डा से के खिलाड़ियों के साथ खेल के और दुमका के खिलाड़ियों के साथ भी, अनेक जगह के खिलाड़ियों के साथ भी कहीं भी हम लोग जाते थे। हमारे नेतृत्व में जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग फर्स्ट प्राइज ही जीत कर लाते थे और ये सब मिल के गाँव वाला जितना है मतलब उस समय तो खसी का ही मतलब ज़्यादा चलता था ना, तो सब मिलजुल के मतलब उस खसी को हम लोग खाते थे या अथी करते थे। अच्छा, तब के टूर्नामेंट में और आज के टूर्नामेंट में कितना अंतर हो गया? तब के युवा और आज के युवा में क्या कुछ देखने को मिल रहा अलग? तब के युवा और आपके युवा में अंतर तो जरूर दिख रहा है। उस समय खेल का उतना ज़्यादा देहात में प्रचलन नहीं था, एका दुका ही था और अभी तो देखने को आ रहा है, या शायद आप भी देख रहे होंगे कि मतलब हर जगह मतलब हर गांव में खिलाड़ी अभी पैदा हो गए हैं और दूर दूर जाके ये लोग खेलने का भी प्रयास करते हैं। इतने दिन से खेल को देखते आ रहे हैं, क्या कुछ कमी नज़र आता है सरकार की तरफ से कि जैसे युवाओं में जो प्रतिभा है फुटबॉल के प्रति, जो जुनून है झारखंडी खिलाड़ियों में, तो वो प्रतिभा जो है नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जो कैसे निखर के सामने आए, क्या कुछ कमियाँ हैं? देखिए, देहात के लोगों के लिए कमियां तो बहुत सारी दिख रही है। जब यहाँ के खिलाड़ी खेलने में मतलब सक्षम है और जिला स्तर तक किसी तरह पहुँचते हैं, लेकिन जिला से उन खिलाड़ियों को जाने का, आगे जाने का मतलब इजाज़त ही नहीं दिया जाता या किसी तरह से उसको छाँट के मतलब उसी जगह ही रखा जाता है। यहीं तो यदि सरकार चाहे अपना दिल से या जो खेल के जो आयोजक लोग हैं वो लोग चाहे दिल से, तो संथाल परगना के क्या मतलब पूरे झारखंड के आदिवासी खेल में आगे रहेंगे और देश के नाम को रोशन भी कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छा, एक चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कोई भी खेल हो उसमें कोच की बहुत अहम भूमिका होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि फुटबॉल को और बारीकी से सिखाने के लिए फुटबॉल में भी एक कोच होना चाहिए बेहतरीन तरह से, प्रखंड स्तर पर हो या ब्लॉक जिला स्तर पर, ऐसा कुछ? देखिए, कोच रहना चाहिए तो ज़्यादा जरूर लोग खिलाड़ी सीखते हैं, लेकिन कोच उपलब्ध कहाँ से होगा ये तो देहात के लोगों को पता है ही नहीं। और जैसे हम लोग को जहाँ तक पता है तो यहाँ तो हम लोग अपना स्तर से कभी भी नहीं खिलाए हैं और जब भी यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं तो हम लोग बाहर के रेफरी यानी दुमका से जो खिलाए हैं रेफरी लोग हैं उन लोग को हम लोग मतलब प्रत्येक साल मतलब आमंत्रित करते हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोग खेल का आयोजन करवाते हैं। खेल आयोजक तो हम लोग हैं लेकिन उसका मतलब यहाँ का निर्णय के रूप में उन लोगों को हम लोग बुलाते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं आदिवासी युवा स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा ये एक दिखाया जा रहा है कि यहाँ के जो खिलाड़ियों में जज्बा है वो कुछ अलग ही है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। क-
कमी यदि यह कहीं है तो सरकार के नियत में है। यदि सरकार चाहे तो इन प्रतिभा को अलग से निखार करके इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिला सकती है। और एक अलग बात है कि पूरे संथाल परगना में ही नहीं, पूरे झारखंड में आदिवासी युवाओं के अंदर में जो खेल प्रतिभा है, चाहे फुटबॉल के प्रति हो, कबड्डी के प्रति हो या कुश्ती के प्रति हो, कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। बस सरकार को नज़रिया बदलने की ज़रूरत है।